हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल आज शाम को लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया अपडेट आप में से बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो अपडेट है और यहां पे हम डिस्कस करने वाले पूरा नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर और सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वीडियो को एंड तक देखना ऑलमोस्ट यहां पे आप सारे एलिजिबल हो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सैलरी भी बहुत बढ़िया है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपको जॉब अपडेट्स के डेली दो वीडियोस चाहिए और उसकी नोटिफिकेशंस चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि आपका कोई भी ग्रेजुएट दोस्त यहां पे अप्लाई कर सकता है वैकेंसी नंबर बहुत ज्यादा है 2000 वैकेंसी यहां पे अनाउंस हुई है

ग्रेड टू की है और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो अनिजर्व वालों के लिए नाइन वैकेंसीज नाइन है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख जाएगा जो कि टोटल मिला के बनता है टू थाउजेंड टू थाउजेंड यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस की हुई है अब यहां पे अगर बात करते हैं तो आपका जो पैकेज रहेगा अगर सैलरी तो लेवल सेवन की रहेगी फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन बेसिक पे और इसका जो स्पेशल अलाउंस है ट्वेंटी तो को काउंट करें तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है से भी ज्यादा हो जाती है तो भाई बहुत बढ़िया जॉब है अगर मैं बात करूं तो यहां पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो और भी अलाउंस तो आपको मिल ही जाएंगे गवर्नमेंट जॉब है नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएट मांगा हुआ है कोई भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो कोई भी डिसिप्लिन से हो आर्ट्स कॉमर्स Science, कुछ भी आपने किया हो आप अप्लाई कर सकते हो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए फाइनल ईयर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है वरना तो मैं शुरुआत में आपको बता देता और अगर बात करते डिजायरेबल तो डिजायरेबल में इन्होंने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स मांगा हुआ है जो कि कुछ चाहिए होगा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इतना भी एक्सपर्ट नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए एज लिमिट 18 से 27 सेवन ईयर्स है नाउ डिस्कस करते हैं कि भाई यहां पे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर में दो टायर की एग्जाम होगी मतलब टायर वन टायर टू और यहां पे फिर इंटरव्यू होने वाला है अब एग्जाम के बारे में मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा इसमें लंबा जो, डिस्कस करेंगे एग्जाम यहां पे बहुत सारे सेंटर्स पे होगी तो उसका कोई टेंशन नहीं है हंड्रेड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे जो कि यहां पे पांच पार्ट्स में डिवाइड किए हुए जनरल अवेयरनेस क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश जनरल स्टडीज और नेगेटिव मार्किंग वन फोर्थ की है तो यह भी चीज का आपको खास ध्यान रखना है ंड्रेड एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए सिर्फ वन आवर का टाइम दिया जाएगा और हंड्रेड के हंड्रेड मार्क्स रहेंगे ये टायर वन, है। यहाँ पे टायर वन आप जैसे ही क्वालिफाई करोगे तो आपको टायर टू के लिए बुलाया जाएगा और ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है थर्टी मार्क्स का इन्होंने कहा है एंड इंग्लिश और प्रीस राइटिंग इन्होंने ट्वेंटी मार्क्स का रखा हुआ है इसके लिए आपको एक घंटा दिया जाएगा फिफ्टी मार्क्स के पेपर के लिए और इसके मार्क्स होंगे टोटल फिफ्टी तो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए टायर वन एंड टायर टू दोनों को कंबाइन करके काउंट करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नाउ मैं आपको बेसिक बता देता हूं टायर वन में जितने भी करने वाले हैं तो कितने लोगों को बुलाया दो हजार वैकेंसी है तो बीस हजार लोगों को बुलाया जाएगा टायर टू के लिए और टायर टू और टायर वन टायर टू जो एग्जाम देंगे उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे फाइव टाइम्स को इंटरव्यू के लिए मतलब टायर वन और टायर टू के बेसिस पे यहां पे सिलेक्शन होगा मतलब टायर वन जो है क्वालिफाइन नेचर में नहीं है फाइनल सिलेक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस है तो इसको leniently मत लेना तो यहां पे टोटल 150 मार्क्स में से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में यहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा जो इन्होंने बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स भी हंड्रेड है और फाइनल आपका इंटरव्यू पे से सारी चीजें डिसाइड होगी अब ये जो मैंने इतना सब कुछ बताया टेन टाइम्स फाइव टाइम्स ये इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इंटरव्यू के लिए आपको मैं बताऊँ फाइव टाइम्स को सिलेक्ट किया जाएगा न आगे बात करते हैं तो अप्लाई किस तरीके से करना है इसकी एक ही डिसएडवांटेज है क्योंकि संभाल का अप्लाई करना रहेगा वो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पे एप्लीकेशन फीस छह सौ रुपए है अगर आप अनिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप एस सी आपको कोई कैटेगरी लगती है फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके सौ रुपए बचेंगे इससे ज्यादा नहीं बचेंगे क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस तो आपको पे करने ही होंगे वो होते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज और एग्जामिनेशन फी जो है सौ रुपए तो वो अनरिजल्ट वालों को एक्स्ट्रा पे करने हैं तो टोटल छः सौ रुपए आपको पे करने होंगे और ये पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा आपको कुछ भी भेजना नहीं है आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है एम एच ए डॉट जी ओ वी डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दीजिए और इसकी जो ओपनिंग डेट है मतलब ये एप्लीकेशन शुरू होने वाला है नाइनटीन ऑफ डिसेंबर मतलब यहां पे कल से शुरू हो चुका है वीडियो मैंने बनाई हुई ट्वेंटी को तो कल से ही शुरू हो चुका है और ये जो है चलने वाला है 9th ऑफ जनवरी तक अब यहां पे उम्मीद करते हैं कि इसकी एग्जाम हो और सारी चीजें हो बिकॉज एग्जाम की डेट इन्होंने नहीं बताई हुई है ये मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है इन्होंने कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है सो होप सो ये सारी चीजें हो जाए वरना बाकी एग्जाम्स बाकी नोटिफिकेशंस की तरह ये लंबा ना चले सो लेट सी अगर आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा संभाल के अप्लाई करना पांच सौ छह सौ रुपए यहां पर लगेंगे एक अमाउंट है फिर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना सारी चीजें डिस्कस कर लिए डिटेल में डिटेल नोटिफिकेशन आया तभी

तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर